बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू सोशियोलॉजी 301। अच्छा, एसओसी 101 के जो लेक्चर्स अपलोड करने से पहले सारे बच्चे कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतना गंदा सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, बोरिंग है, ये है वो है। लेकिन जब उन्होंने लेक्चर सुने थे ना, उसके बाद वो कह रहे थे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल हम लोग टेंशन फ्री हो गए हैं। तो सोशियोलॉजी 301 के साथ भी ना यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं भाई इतना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोग इंशाल्लाह जब आप लोग ये पूरे लेक्चर सुन लेंगे ना, तो आप लोगों का भी फीडबैक यही आएगा कि एसओसी 301 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारा समझ आ गया इंशाल्लाह। तो आज हम लोग अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फाइनल टर्म आप लोगों को जैसे पता है कि लेसन नंबर 19 से लेकर 45 तक का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर 19 करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जहाँ मिड टर्म का सिलेबस जहाँ तक पढ़ा था, वहाँ पे जस्ट आप लोगों ने जो सोशल रिसर्च थी उसकी डेफिनेशन तक पढ़ा था। अब वही टॉपिक थोड़ा सा आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले वो कहते हैं कि सोशल रिसर्च के अलावा और भी अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे आप लोग नॉलेज डिराइव कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मेजर जो होते हैं ना, फोर सोर्सेज होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने कॉमन सेंस यूज़ करके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने तजर्बात को जो है वो यूज़ करके आप कोई नॉलेज डिराइव कर लेते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं ना, या कुछ ऐसे लोग जो पावरफुल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी, हालांकि जिस फील्ड में वो नहीं भी होते, उस फील्ड से भी वो अपने तजर्बे की बेस पे जो है ना कुछ नॉलेज डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके मीडिया मैसेजेस जो होती हैं, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है वो हो गया, या टीवी पे जो हमें मैसेजेस बार बार दिखाए जाते हैं उससे भी आप लोग नॉलेज डिराइव करते हैं। उसके अलावा आप लोगों के जो वैल्यूज़ होते हैं, आप लोगों की जो बिलीव्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो एक नज़रिया आप लोगों को बताया जाता है, उससे भी आप लोग नॉलेज जो है वो डिराइव करते हैं। तो ये फोर मेजर सोर्सेज होते हैं। अभी हम इसको बारी बारी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई, जैसे आप लोग अगर कॉमन सेंस यूज़ करके अगर, या आप लोग अपना पर्सनली जो ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे अगर आप ये कहते हैं ना, जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो वर्किंग वेमेन होती हैं, जो वेमेन जॉब कर रही होती हैं, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल होते हैं, उनको ज़्यादा मराहत हासिल होती हैं। लेकिन जो रिसर्चर्स होते हैं वो बेचारे तो पिस के रह गए होते हैं, उन लोगों के ऊपर तो डबल बर्डन होता है और वो टेंशन में भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दूसरा एक आप लोग ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे ये कहते हैं कि जो मर्द हजरात होते हैं वो हमारे मुल्क की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वो ज़्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। घर में भी आप लोग देखें ना कि वो ज़रिया मुआश हमेशा वही ज़्यादातर उन्हीं के हाथ में होता है, वो घर में भी जो है वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं और हमारी कंट्री को भी नेशनल लेवल पे भी जो है वो मर्द ही जो है वो प्रमोट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। उसके अलावा अगर आप लोग देखें ना, आप लोगों का एक पर्सनल तजर्बा होता है कि जो बड़े घर होते हैं वो कंफर्टेबल ज़रूर होते हैं, लेकिन जो छोटे घर होते हैं ना उनको बेचना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी कीमत थोड़ी होती है, तो हर किसी के जो है ना वो ईजीली जो है उनके पास इतनी एक्सेस होती है कि वो छोटे घरों को ख़रीद सकें। तो जो छोटे घर होते हैं उनकी ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है कि वो जल्दी से जो है ना वो बिक जाते हैं। अच्छा, अब ये जो आप लोग कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करते हैं कि कोई मन घड़त कहानियाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो सच्चाई और होती है। ठीक है, मिथ का मतलब होता है मन घड़त कहानियाँ, और रैशनल यानी कि सच्चाई, यानी कितनी एक चीज़ में सच्चाई होती है। अब जैसे ना अगर कोई एक औरत ने फॉर एग्जांपल कभी एक्सीडेंट किया होगा, तो जिस बंदे ने ये देखा होगा उसने ये एक ना मन घड़त कहानी बना ली, एक मिथ बना ली होगी कि जो औरतें होती हैं ना वो बुरी ड्राइवर होती हैं, वो ड्राइवर अच्छी साबित नहीं हो सकती। लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं। उसके अलावा हाँ, ये है कि जो ट्रैफिक जो जैम होती है ना वो औरतों की वजह से होती है, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना वो ज़रा थोड़ी इमोशनल होती हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर भी जाती हैं जल्दी, तो वो बहुत ज़्यादा रश देखती हैं ना, तो उनमें वो थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो औरतों की वजह से हो जाता है, ये बात मानते हैं भाई। अच्छा, उसके अलावा हम लोग अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जो हम लोग एक जनरलाइजेशन या अपना जो हम लोग नॉलेज बिल्ड करते हैं ना, हम लोग उसमें पांच तरह की गलतियां कर देते हैं। एक तो हम लोग करते हैं ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि इतनी बात होती नहीं है जितनी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा शोख मिजाज के होते हैं, ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले होते हैं, या आप लोग ये कह देते हैं ना कि सारे के सारे मुसलमान शिद्दत पसंद होते हैं। ये आप एक ओवर जनरलाइजेशन बना रहे हैं, हालांकि ये रियलिटी नहीं होती, आप लोग खुद से कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो उसको बढ़ा चढ़ा के बात को कहना। उसके बाद आप क्या करते हैं? सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का ये मतलब होता है कि आप लोगों ने जो अपने, आप लोगों की पहले जो सोच होती है ना, आप लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को देखते हैं, आप अपनी पहले वाली एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको जांचने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये नहीं कहते, आप लोग हमेशा देखें ना मेरी बात सुने, आप अगर किसी चीज़ को फेवर कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेल है, ठीक है, और फीमेल है, तो अब अगर आप इस सोच के हैं कि जो मेल की जॉब करने के अगर आप लोग फेवर में हैं, ठीक है, तो आप वो जो एक नॉलेज बनाएंगे ना अपनी उस
थिंकिंग के ऊपर बेस करके आप बनाएंगे. आप जो भी दलाल देंगे आप मर्दों के हिस्से में ही देंगे, ठीक है. मतलब आप जिस चीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उसी को आप लोग एक जो न्यूट्रैलिटी का आंसर होता है ना, यानी कि किसी की साइड ना लेना, जो सच है सच कहना, उसको आप लोग उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हैं. एक सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है. जैसे आप लोग ज़ात को जो है, ज़ातों को जैसे आप लोग जजमेंट करते हैं जैसे, ठीक है. उसके अलावा होरोस्कोप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये लोग जायचे बनवा के अपने मुस्तकबिल के बारे में जो जानते हैं, ये सब लोग आप लोगों की सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है. उसके बाद आप लोगों का आ जाता है आप लोग क्या करते हैं कि प्री मेच्योर क्लोजर, यानी कि मुख्तलिफ पूरी तरह से परखे जांचे बगैर आप लोग पहले ही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक ये भी एक होता है हमारा एरर होता है पर्सनल एक्सपीरियंस में. आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पहले एक रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद उस बेसिस पे आप लोग कंक्लूजन करें. लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते. आप लोग अपनी जो आप लोगों का पहले जो एक माइंडसेट बना हुआ होता है, आप लोगों की पहले वो जो एक आपके जहन में बायसेस बनी हुई होती है ना, किसी भी कास्ट के बारे में, किसी भी क्लास के बारे में, आप उस बेसिस पे जो है ना अपना नॉलेज अखज़ करते हैं. आप छोटे आप लोगों को ये होना तो ये चाहिए ना कि आप लोग शवाहिद इकट्ठे करें. आप क्या करते हैं, शवाहिद इकट्ठे करने के बजाय आप लोग कंक्लूजन्स बना लेते हैं, नतीजे बना लेते हैं. कोई एक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आप लोगों से कहा है कि जो प्रोफेसर होता है मुझे लेक्चर देते हुए भूल गया, आप लोग क्या कहेंगे कि प्रोफेसर फॉरगेट, कि सारे प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं. केमिस्ट्री टीचर अगर किसी एक बंदे का अगर सख्त होगा तो सारे ये कि जी केमिस्ट्री के टीचर्स तो बहुत ही खुश्क मिजाज के होते हैं. तो ये आप प्री मेच्योर क्लोजर कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हैलो इफेक्ट. हैलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस या बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरस चीज़ समझते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं उसके बारे में आप लोगों का थोड़ा और बिलीफ होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और वो अच्छा बंदा, अगर वो एक अच्छा कामयाब तरीन इंसान बना, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी ने बड़ी अच्छी पीएचडी करवाती है. भाई क्या हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज भी तो करवा सकती हैं. लेकिन वो क्या होता है कि आप लोगों का जो एक प्रेस्टीजियस, आप लोगों के जहन में एक वो जो बन जाती है ना, एक सोच बन जाती है कि फलां चीज़ बहुत अच्छी, ग्लैमर जो किसी चीज़ के बारे में आप लोग बना लेते हैं, उसकी बेस पे आप लोग अपना जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. या जैसे एक ब्रांड होता है, अब एक कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है तो उसी ब्रांड को लेकर चलता है. कोई नया ब्रांड आएगा बेशक आप लोग कहते हैं नहीं भाई वो पुराने वाला ब्रांड, उसका तो कोई मुकाबले नहीं कर सकता. ये एक हैलो इफेक्ट होता है, ठीक है. उसके बाद फॉल्स कंसेंसस, ठीक है. फॉल्स कंसेंसस क्या 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 मतलब होता है कि आप लोग दूसरों की बात नहीं मानते. आप अपने जो आप लोगों का एक सोच बन जाती है ना, सिर्फ आप लोग कहते हैं मैं ही सही सोचता हूँ और बाकी भी जो सारे जो लोग हैं ना वो भी उसी तरह से सोचते हैं. यानी कि आप पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं इस दुनिया को देखता हूँ ना, सारे लोग जो है ना वो सेम मेरे वाली सोच है पूरी दुनिया की. फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों की सोच है ना कि जो जो औरतें चार दीवारी के अंदर रह रही होती हैं वो अपनी फैमिली से की जो है ना वो ज़्यादा वफादार होती हैं, ठीक है. तो वो जो एक चीज़ होती है ना वो आप यूँ समझते हैं कि पूरी दुनिया इस तरह से सोचती है. भाई पूरी दुनिया इस तरह से नहीं सोचती, हर किसी की अपनी सोच होती है भाई. कुछ माइंड ब्रॉड माइंडेड लोग भी होते हैं. तो ये जो सारी आप लोग गलतियाँ करते हैं ना, इन सारी गलतियों को सुधारने के लिए सोशल रिसर्च जो है वो बनाई गई थी कि आप लोग रिसर्च करें, उसके बाद आप लोग रिजल्ट निकालें. उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी. यानी कि जो एक्सपर्ट्स होता है वो क्या करता है, किसी दूसरी फील्ड, यानी कि ऐसी फील्ड जहाँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उस फील्ड के बारे में भी जो है ना वो कुछ आइडियाज़ बना लेते हैं, ठीक है. जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिक फील्ड्स में भी जो है वो कर लेते हैं, अपने आइडियाज़ बना लेते हैं. अगर कोई फिज़िक्स का प्रोफेसर है वो म्यूज़िक वाली फील्ड के बारे में को अपना कोई ओपिनियन दे देता है. तो ये इस बेस पे भी आप लोग ना अपना एक नॉलेज जो है वो बिल्ड करते हैं. लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो हमेशा वो आइडियाज़ देंगे जो उन लोगों की अपनी पोजीशन को, जो उनकी अपनी जो प्रेस्टिज होती है, यानी कि अपनी उन लोगों का ऑनर को, उन लोगों की जो ताकत को, पावर को जो है ना वो स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत बनाएंगे, ठीक है. अब जैसे क्रिकेटर्स होते हैं ना मुख्तलिफ, उन लोगों का आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई जो है वो जैसे कि किसी शैम्पू का ऐड दे रहे हैं, आप उनका शैम्पू वाले फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी वो घुस जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे ग्लैमर आएगा मेरे पास, पोजीशन आएगी, प्रेस्टिज आएगी, पावर आएगी, ये तीन चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथन होगी. इस वजह से जो है वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो दूसरी फील्ड में घुस के जो है वो अपने जो है वो नॉलेज बिल्ड करते हैं लोगों के जहन में. उसके बाद पॉपुलर और मीडिया मैसेजेस. अब मीडिया क्या करता है, ज़्यादातर जो होता है ना मीडिया, वो लोगों की जो जहन में कुछ चीज़ें डालना या कुछ मन घड़त कहानियाँ डालना, ये जो है ना वो मीडिया ज़्यादा करता है. मीडिया जो है ना एक एक गलत जो सोच होती है ना, मतलब एक जो जिसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, ऐसी चीज़ें भी लोगों के जो है वो जहन में डाल देते हैं, परपिचुएट्स भी करते हैं गलत सोचों को. अब क्या करते हैं, जैसे एक पाकिस्तान का इमेज बना दिया गया है कि एक गलत इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में आ गया. कैसे आ गया है? हमारे अपने मीडिया की वजह से आ गया, ठीक है.
कि पाकिस्तान में धरने दिए जाते हैं तभी हुकूमतें चलती हैं। उसके अलावा आप लोग मीडिया वाले, वैसे जो जहेज़ होती है उसको एक लानत कहा जाता है, लेकिन मीडिया वाले क्या करते हैं उसी जहेज़ की जो रस्म को जो है ना वो बढ़ाते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रोमोट करते हैं उसको। कैसे अपने मल्टी फॉर्म की मशहूरी देखी होगी, उसमें वो जो एक जो है ना मल्टी फॉर्म में वो ये सारी वो जो है ना मतलब लड़की पिया घर सुधार रही है और साथ दो चार गद्दे लेके जा रही है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, कैसे आप देखें ना फेयरनेस क्रीम्स अगर जो हैं जहाँ पे चिट्टे गोरे रंग करने वाली जितनी भी एड्स होती हैं उसमें सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, उसमें मर्द हजरात तो दिखाई नहीं जाते। तो ये मीडिया वाले क्या हमारे जहन में डाल रहे हैं कि बस चिट्टा होना सिर्फ लड़कियों का हक होता है। तो ये जो पॉपुलर मर्चो मीडिया मैसेजेस होते हैं ये हमारे जहन में मिथ्स क्रिएट कर देते हैं, गलत चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ आइडियोलॉजिकल बिलीव्स और वैल्यूज़, यानी कि कुछ नज़रियात बना दिए जाते हैं आप लोगों के अकीदे और वैल्यूज़ के बारे में। ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं वो प्रमोट और ज़्यादा हमारे कामों को, हमारी सोचों को डिफेंड कौन करता है, कोई सियासी नज़रियात, उसके बाद हमारे जो मजहबी नज़रियात और उसके अलावा जो हमारे जो होते हैं ना अकीदे की बुनियाद पर जो नज़रियात बनाए जाते हैं वो हमारे एक्शंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखें कि जेंडर डिवीज़न, यानी कि औरतों को जो है और तरह के काम दिए जाते हैं, मर्दों को और तरह के काम दिए जाते हैं, ये कहाँ से आई, हमारे आइडियोलॉजीज़ ने हमें सिखाए हैं। शेम फिनमिना, शर्म हया के बारे में वो जो हमें सारे जो सबक मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो हमें नजरियात देते हैं। अब लोग जो होते हैं ना वो तीन तरह की चीज़ों में बिल्कुल कमज़ोर वाकई हुए हैं। एक तो ज्योग्राफिक नॉलेज में, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉलेज का क्या मतलब होता है कि किसी भी इलाके में कितनी पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन का साइज़ है, मेल कितने फीमेल कितने हैं, ये सारी ज्योग्राफिक नॉलेज सॉरी ज़मीन के बारे में जितने भी नॉलेज होते हैं ना दैट इज़ अ ज्योग्राफिक नॉलेज, जिसको आप लोग ज्योग्राफिया कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिक जो है ना वो क्या होती है, उस ज्योग्राफिक नॉलेज एक लोगों के पास बहुत कम होता है। दूसरा एक साइंटिफिक नॉलेज को भी ना, साइंटिफिक लिटरेसी, इसमें भी लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं बेचारे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में सप्ली लेके बैठे होते हैं, क्यों भाई, साइंटिफिक लिटरेसी में बेचारे कमज़ोर होते हैं ना। उसके अलावा एक लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, यानी कि एक पूरी एक लॉजिकल, यानी कि एक लॉजिक्स की बेस पर जब आप लोग सोचते हैं उसमें भी जो है ना वो लोग कमज़ोर होते हैं, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं जिसका हकीकत से, हकीकत पे मबनी जो हकीकत जो होती है ना सोच वो कम ही होती है, ठीक है। अब एडवांस कंट्रीज़ क्या करती हैं, उन्होंने आईटी के ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हॉरोस्कोप पे बिलीव करते हैं, जायचे पे बिलीव करते हैं वो। उसके अलावा ये जो हो गए हैं हमारे जो घोस्ट होते हैं, यानी कि ये जो भूत वगैरह, इन पे जो है उन लोगों का अब बिलीव बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सुपर नेचुरल इंटरप्रिटेशन, आप लोगों ने ये देखी होगी ये मूवीज़, अगर आप लोग देखें ना आप लोगों को पता हो कैसी कैसी सुपर नेचुरल इंटरप्रिटेशंस करते हैं ये हॉलीवुड वाले, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि सोशल रिसर्च क्या होती है, देखें द डिसीजंस बैक्ड अप बाय रिसर्च, आप रिसर्च करके जो भी जो है वो आप डिसीजन लेते हैं ना वो उस एक तो ये होता है कि वो वैल्यूएबल, ज़्यादा मानने वाला भी होता है, ऑथेंटिक सच्चा भी होता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो सोशल साइंसेज होती हैं, हमारी जो इंसान की जो सोशल लाइफ है वो कैसी है, वो जो सोशल साइंसेज होती हैं ना उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी लोगों की जो सोशल लाइफ होती है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होती चली जा रही होती है, ठीक है। इस वजह से डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली कि इंसान की जो सोशल लाइफ है, ह्यूमन सोशल लाइफ वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद सोशल लाइफ रिसर्च जो होती है ना वो एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसमें एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जाती है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके कल्चर के साथ आप लोग की सोसाइटी के जो रिलेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, सिमिलरिटीज़ होते हैं, डिफ्रेंसेज होते हैं, वो सारे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी, आप लोगों को पता सारे क्रिमिनल्स के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज में जो है वो मुख्तलिफ आ जाते हैं आप लोगों की बिजनेस सेक्टर की, जो कॉमर्स हो गया वो भी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ ऑल्सो सारी जो है ना वो मैनेजमेंट साइंसेज आती हैं। तो सोशल रिसर्च में ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो हो गया हमारा सोशल रिसर्च, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है एक पूरे एक सिस्टम के तहत आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप रियलिटी को, हकीकत को, सच को आप फाइंड करते हैं, वो आप लोगों की होती है साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो तीन चीज़ों पर जो है ना वो बेस करता है। एक तो इसमें सोशल थ्योरी देखी जाती है, यानी कि लोगों के जो वो हकीकत पर मबनी जो आइडियाज़ हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या क्या सिस्टम है। उसके बाद सोशल वर्ल्ड के बारे में पूरा जो एक नॉलेज होता है वो जो है वो उसको गेन किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये हमारा जो सामाजिक दुनिया है, हमारा जो समाज, हमारी जो सोसाइटी है, ये कैसे काम करती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है ना वो डेटा होता है हमारे साइंटिफिक रिसर्च में, या न्यूमेरिकल डेटा होगा यानी कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा, या फिर नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी
कोई भी आपकी जो कुछ प्रोसीजर्स होंगे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स जो आप लोगों को जो प्रोसीजर्स बताए गए होंगे कि इसके मुताबिक आप लोगों ने जो है वो डेटा जो है वो गैदर करना है उस वो आप जो है ना साइंटिफिक रिसर्च में फिर एक डेटा लेते हैं ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं एम्पिरिकल एविडेंस होना आप लोगों की जरूरत है साइंटिफिक रिसर्च में। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि वो शवाहिद जो आप ऑब्जर्व करके देख के यानी कि अपनी फाइव सेंसेस को यूज़ करके आप लोग हासिल करते हैं वो आप लोगों की एम्पिरिकल एविडेंस होती है ठीक है। आगे साइंटिफिक कम्युनिटी नॉर्म्स। अच्छा साइंटिफिक जो कम्युनिटी है यानी कि आप लोगों ने कोई भी साइंटिफिक काम करना है उसमें नॉर्म्स क्या होती हैं यानी कि उसमें क्या जो है वो चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सलिज्म ठीक है। यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जिसने भी जहाँ भी कोई भी रिसर्च कंडक्ट की है उसको हम लोगों ने साइंटिफिक बेसिस पे जज करना है। अपनी सोसाइटी की बेस पे नहीं जज करना कि हमारा माशरा तो इस बारे में ये कहता है। नो आप लोग साइंटिफिक बेसिस पे उसको जज करेंगे ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शकूक व शबहात यानी कि जब भी आप लोग साइंटिफिक नॉलेज बना रहे होते हैं ना उसमें एक आप लोग काम करते हैं फिर भी आप लोग उसको मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं ये चीज़ इसमें कहीं हो तो नहीं सकती कहीं ये चीज़ तो नहीं इसमें हो सकती कहीं ये चेंजेस तो नहीं हो सकती। इस बेस पर आप लोग मजीद उसमें जो है ना चेंजिंग करते करते जो है वो मजीद उसमें रिसर्च करते करते एक नॉलेज बनाते हैं ठीक है। तो ये जो रिसर्च होता है ये जो साइंटिफिक जो रिसर्च होता है ये मुख्तलिफ जो है ना क्रिटिकल तरीकों से जो है ना वो एक गुजर के आता है एक बार बार टेस्टिंग से गुजर के आता है। ऐसा नहीं होता कि बगैर को देखभाल किए आप लोग ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिसइंटरेस्टेडनेस यानी कि जो आप लोगों का साइंटिफिक नॉलेज होता है आपने ये नहीं उसमें से ढूंढना कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। न्यूट्रल होकर आप लोग उसको देखें अब अनबायस होकर देखें यानी कि आपके जहन में कुछ भी आप लोग अपनी जो है ना जो भी आप लोगों के जहन की अपनी ख्वाहिशात को निकाल के उसको आप लोग देखें आप ये अपने जहन में रखें कि मैंने न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है और ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी मुझे देखने को मिल सकती हैं जो कि मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं की हुई। दूसरा चौथी जो नॉर्म्स होती है वो हमारी होती है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है ठीक है। दूसरे रिसर्चर्स भी उसको देख सकते हैं पब्लिक भी देख सकती है यानी कि दुनिया में कोई भी बंदा है वो सब एक जैसा उसको नॉलेज को शेयर कर सकते हैं किसी की अपने को बाप दादा की जायदाद नहीं होती ये साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद ऑनेस्टी यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जब आप बिल्ड कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी प्लेजरिज्म नहीं करना किसी दूसरे का कंटेंट उठा के नहीं ठोक देना। उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल सच्चा नॉलेज होना चाहिए उसके बाद ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए तब जाके आप लोगों का साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक्सेप्टेबल होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने जो लेसन है एक दफ़ा आप लोग इसको हैंड आउट से जो है देख लीजिएगा। आप लोगों को आसान तरीके में इसका ये बता दिया कि मैंने अभी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिया ना बाकी आप लोगों ने क्या करना है हेडिंग्स अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि हम लोग फाइव एरर्स कौन कौन से करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस में ये आप लोगों का लॉन्ग में आ सकता है ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी नॉर्म्स हैं ये भी आप लोगों के लॉन्ग में भी आ सकती हैं ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनके नेम्स याद करने हैं आगे उन्हें याद कर आपने अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाएंगे। मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं चैनल के बारे में क्योंकि SOC301 के जो है वो लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं हैं नया सब्जेक्ट है ये। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।